हेलो एवरीवन, ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो है। आई होप यू लाइक इट। आज मैं मिल्क लड्डू बनाने जा रही हूँ, जिसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और पैन रखेंगे। उस पैन में एक चम्मच घी डालेंगे। जब वो थोड़ा मेल्ट होने लगेगा तब उसमें दूध ऐड करेंगे। दूध को ऐड करने के बाद हम घी और दूध को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उन दूध के बॉईल होने का वेट करेंगे। बट इसको हमको कंटिन्यू हिलाते रहना है ताकि दूध पैन में चिपके नहीं। जब दूध बॉईल होना स्टार्ट होता है, जब आपको लगता है कि दूध गर्म हो चुका है, तब आप उसमें केसर मिक्स कर सकते हैं। केसर सिर्फ 2 पिंच ही डालनी है और उसको इसमें मिक्स करने के बाद हम ड्राई पाउडर डालेंगे। मैंने इसमें नॉन फैट ड्राई पाउडर लिया है। आप चाहें तो होल मिल्क वाला भी ले सकते हैं। एक बार ड्राई पाउडर डालने के बाद आपको इसको कंटिन्यूसली मिक्स करना है, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो इसमें लम्स आ जाएंगे। जब वो लम्स सारे चले जाते हैं तब आपको उसको धीरे धीरे मिक्स करके ड्राई करना है। जब दूध पूरा वो ऑब्जर्व कर लेता है उसके बाद आप उसमें शक्कर ऐड कर सकते हैं। शक्कर ऐड करने के बाद आपको उसको फिर से मिक्स करना है और वो फिर लिक्विड फॉर्म में आएगा, तो आपको उसको कंटिन्यू हिलाना है जब तक कि वो शक्कर पूरी तरह से उसमें मिक्स होके वो फिर से एक थिक फॉर्म में नहीं आ जाए। उसके बाद आप उसमें 2 पिंच इलायची मिक्स करके उसको भी इसके साथ मिक्स कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, आपको कंटिन्यू इसको हिलाना है अगर आप, और लो फ्लेम पे करना है, नहीं तो ये जल सकता है। एक बार जब ये रेडी हो जाएगा तो ये पैन से अपने आप जगह छोड़ने लगेगा और ये इस तरह दिखेगा। फिर इसको ठंडा करने के लिए हम किसी बर्तन में खाली करके ठंडा होने का वेट करेंगे। जब ये ठंडा हो जाता है तब आप इसको लड्डू का शेप देके, जो साइज़ आप चाहते हैं उस साइज़ में इसको शेप देके आप इसको कोकोनट पाउडर से ऊपर से कवर कर सकते हैं। और इस तरह आप मिल्क लड्डू बना सकते हैं। ये मेरे बच्चों की फेवरेट डिश है। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।